वेलकम बैक। अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जस्टिस मुजाहिर नकवी ने भी गुज़श्ता रोज़ अपना इस्तीफा ऐवान सदर भिजवाया था और सदर ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया था। अमानत गश्कोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा एक और जज की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है। जी बिल्कुल, राय के मुताबिक जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सदर मुमलकत को भिजवा दिया है और इस्तीफे में उन्होंने ज़ाती वजूहात बयान की हैं कि ज़ाती वजूहात की वजह से वो जो है मजीद बतौर जज सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर सकते और अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकते। और राय के मुताबिक इस्तीफे की जो कापी है वो सदर मुमलकत को भिजवा दी गई है। जस्टिस एजाजुल अहसन जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा के बाद जो है चीफ जस्टिस उन्होंने बनना था और उनका जो मुद्दत थी चीफ जस्टिस की वो तकरीबन 2 साल थी। तहम आप राय के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपना इस्तीफ़ा दिया था उनके बाद अब जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी अपना इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। और इस्तीफे में जो वजूहात बताई जा रही हैं वो ये बताया गया है कि मौजूदा जो मुल्की हालात हैं उनको देखते हुए बतौर जज सुप्रीम कोर्ट जो है वो मजीद खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकते, इसलिए वो अपना इस्तीफा पेश कर रहे हैं। तो राय के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। अच्छा अमानत, ये भी बताइएगा जैसा कि आपने कहा कि सदर को इस्तीफा भिजवाया गया है, तो क्या आरिफ अलवी की जानिब से मंजूर कर लिया गया है इस्तीफा? जी, राय के मुताबिक चूँकि इस्तीफा जो है वो कुछ देर पहले ही भिजवाया गया है तो उसकी जो कॉपी है वो सदर मुमलिकत को जब मौसूल होगी तो उसके बाद सदर मुमलिकत जो है उसका जायजा लेते हैं और तकरीबन 24 घंटे के अंदर जो है सदर फैसला करते हैं कि इस्तीफा कबूल करना है, मंजूर करना है या फिर इस्तीफा जो है वो मुखरज करना है। तो फिलहाल जो है सदर हाउस की जानिब से इस तरह की कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई कि इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं। तहम आज जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपना इस्तीफा जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है और सदर मुमलिकत जो है उसका जायजा लेंगे और उसके बाद वो इस्तीफा मंजूर या मुस्तरद करेंगे। और अगर इस्तीफा मंजूर करते हैं तो फिर वजारत कानून को जो हिदायत की जाती है कि वो जज को अहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे, तो सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून जो है वो इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेगी। अमानत, क्या इस इस्तीफे में वजूहात बताई गई हैं कि क्यों वो इस्तीफा दे रहे हैं? जी, इज़राइल के मुताबिक जो इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया गया है उसमें ये बताया गया है कि कुछ ज़ाती वजूहात हैं और मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए जस्टिस एजाजुल अहसन जो हैं वो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपनी खिदमत मजीद सर अंजाम नहीं दे सकते। और गुज़िश्ता चंद दिनों से जस्टिस एजाजुल अहसन जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो इजलास चल रहे हैं उनमें भी नहीं बैठ रहे थे और उनकी जानिब से खतूत भी सामने आ रहे थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जैसे एजाजुल अहसन की जानिब से खतूत भी लिखे गए। और जबकि जो 3 रुकनी जजेस कमेटी है जो मुकदमात मुकरर करती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आने के बाद, जैसे एजाजुल अहसन उसका भी हिस्सा थे और उस कमेटी पर भी उनके एतराजात सामने आ चुके हैं और उन्होंने 2 से 3 मरतबा जो है वो कमेटी पर एतराज़ किया और खतूत भी लिखे गए जिनमें ये कहा गया कि उनकी राय जो है वो नहीं ली जाती। और 3 रुकनी जजेस कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल हैं, उन 3 रुकनी कमेटी में 2 जजेस जो हैं वो फैसला करते हैं। ताहम जस्टिस एजाजुल अहसन का यह एतराज़ था कि उनसे राय नहीं ली जाती और अगर राय ली भी जाए तो जो फैसला कमेटी में किया जाता है उसके बरक्स बेंचे तश्कील दिए जाते हैं और जो मुकदमात हैं वो जो हैं उनकी राय के बगैर जो है वो मुकर्रर किए जाते हैं। तो ये एतराज़ात थे और ये तमाम वजूहात थी जिनकी वजह से जैसे एजाजुल अहसन जो है उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। ताहम जो राय के मुताबिक इस्तीफे में लिखा गया है वो ज़ाती वजूहात बताई गई हैं और जो हालात चल रहे हैं उनका जिक्र किया गया है। अच्छा अमानत, ये भी बताइएगा कि इनका सीनियरिटी लिस्ट में कौन सा नंबर था? जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, ताहम उन्होंने इसी साल ही रिटायर हो जाना है जिसके बाद जस्टिस एजाजुल अहसन जो हैं
वो सीनियरिटी के हवाले से तीसरे नंबर पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद चूंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस नहीं बनना और अक्टूबर से पहले ही वो रिटायर हो रहे हैं, तो इसलिए जो अगले चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस इजाजुल एहसन ही थे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस इजाजुल एहसन ने ही चीफ जस्टिस बनना था और उनकी जो मुद्दत थी चीफ जस्टिस रहने की वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी साहब से ज्यादा थी और तकरीबन एक साल और 11 महीने जो है जस्टिस इजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर रहना था। तहम सीनियरिटी की बात की जाए तो वो तीसरे नंबर पर थे, लेकिन चूंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियर तरीन जज हैं चीफ जस्टिस के बाद वो इसी साल रिटायर हो रहे हैं, इसलिए जस्टिस इजाजुल एहसन जो हैं उन्होंने ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था और चीफ जस्टिस कादी साहिब के बाद उन्हीं का नंबर था, उन्होंने ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालना था। अच्छा, ये भी बताइएगा अमानत के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी था, तो क्या उस इजलास में जस्टिस इजाजुल एहसन मौजूद थे? जी, आज का जो इजलास था उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन मौजूद नहीं थे। इससे कबल भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो इजलास चल रहे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनमें जस्टिस इजाजुल एहसन ने बैठने से माजरत की थी और आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चल रहा था उसमें ये बताया कि जस्टिस इजाजुल एहसन जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं उन्होंने खुद माजरत की है और वो इस इजलास में नहीं बैठना चाहते, इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो काउंसिल में शामिल किया गया था और 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको जस्टिस मंसूर अली शाह को साथ बिठाकर उसके इजलास चलाए जा रहे हैं और कल भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी इस्तीफा दे चुके हैं, तहम उनके इस्तीफे के बावजूद जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये फैसला किया है कि कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी और जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मौका दिया है कि वो जो है अपने दिफा में भी आ सकते हैं और अपने वकील को भी पेश कर सकते हैं। जी, अच्छा अमानत, हमने देखा कि अदलिया में अब एक इस्तेहकाम देखा गया था, फिर एक दम से दो जजेस की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया, तो क्या रीज़न यही है कि फैसलों को अहमियत नहीं दी गई जैसा कि जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया? जी, जैसे इजाजुल एहसन के जो एतराज़ात हैं वो बहुत सी चीज़ों पर थे क्योंकि उन पर काफ़ी तनकीद भी की गई थी जब मुकदमात मुकर्रर होते थे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में, तो उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि कोई भी मुकदमा जो सियासी जमातें थीं जिनमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत पीडीएम की जो सियासी जमातें थीं उनकी जानिब से ये एतराज़ सामने आता था कि जो जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो हर बेंच का हिस्सा होते हैं और वही जो है खिलाफ फैसला देते हैं, तो वो भी काफ़ी तनकीद की जा रही थी जस्टिस इजाजुल एहसन पर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर और मुतालबा भी किया गया था कि दोनों जजेस जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, तहम उस वक्त इस्तीफ़ा नहीं दिया गया और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायतें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हुई जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तहम जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ फिलहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई कार्रवाई जो है वो नहीं चल रही थी, उनके खिलाफ भी रेफरेंस जो है वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में आए थे, तहम रेफरेंस जो है और जो शिकायतें थी वो खारिज कर दी गई थी चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहकर के जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ जो शिकायतें दायर हुई हैं वो बदनीयती पर मबनी हैं और बेबुनियाद हैं और जो है उन पर महज इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो जस्टिस इजाजुल एहसन जो हैं वो काफ़ी मुतनाज़ा रहे हैं क्योंकि सियासी जमातों भी उन पर एतराज़ करती रही हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात का मामला था उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक नोट लिखा था जिसने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को कहा गया था कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात